परी प्रसंग को बीजेपी राज्य सारा आंदोलन करथिबार के परी केमती न्याय पाइबो से निकरी से माने जनसचेतना करूछंती एवं एक क्रम रे आज झारसुड़ा शहर रे झारसुड़ा बीजेपी तरफ गुरु समग्र शहर रे पदयात्रा करा जाउची तो आसंत सीधा सल कथा हेबा हम सहित बीजेपी महिला कर्मी मध्ये होचंती। अच्छा आप परी को न्याय दाबी रे आज आप झारसुड़ा शहर रे जो रैली करूछंती प्रकृति रे आपन राज्य सरकार को आपन कोन आपन दाबी करू आमे राज्य सरकार को गुटे दाबी रखी छु जे कुनी परी रो मृत्यु के विगत 4-5 मास बीती जाइथिले भी मुख्य आसामी को गिरफ करा अरेस्ट करा नै जई जते शीघ्र हेबा ताकू अरेस्ट करी करी ताकू दोषी को दंड दिया जाउ इथि लई आमर भारतीय जनता पार्टी जिला तरफ नु आमको राज्य तरफ नु निर्देश दिया जाय छे अरुण साहू रो इस्तफा दाबी करबा बहिष्कार दाबी करी करी कृषि मंत्री अरुण साहू को बहिष्कार करी करी मुख्य आसामी बाबलू नायक के अरेस्ट करके ताको फांसी दंड रे दंडित करा जाऊ जेहेतु नाबालक छुआ थिला से छुआ आमर समस्तंकर भी छुआ है आज के 5500 छुआ भी गैप हेलेनो ताले राज्य सरकार पूरा विफल आन से लगी आज राज्य तरफ नु आमको निर्देश दिया जाय छे जो जो प्रत्येक जिला रे जो जो दिन रे पदयात्रा करबार ले कहा जाय छे से हिसाब रे आज भारतीय जनता पार्टी झारसुगुड़ा जिला तरफ नु पदयात्रा आमे करू छु कुनी परी के सीबीआई तदंत करी करी दोषी के अरेस्ट करी करी ताके फांसी दंड रे दंडित करी करी कुनी परी के न्याय दे बोली हमर भारतीय जनता पार्टी दाबी रखी छे। अच्छा गोटे कथा कहंतु आज्ञा आज एसआईटी तरफ रु जो जोधपुर रो तीन जन को उठे नै जाय छे बीजेपी तरफ रु सब बोले गोटे एसआईटी तदंत कुनी के वर्तमान गोटे क्वेश्चन मार्क छे डीजीपी जो फॉर्मर डीजीपी एसआईटी रो वैधता नहीं करले गोटे क्वेश्चन मार्क करछंती तो कौन कहबे समग्र घटनाक्रम देखिले आपन कौन कहबे सरकार कर यार गोटे विफलता तांकर सरकार कर विफलता को ढांकिबा पई ताकु अटेंशन को हटेबा पई लोकन कर तांकु जबरदस्ती गोटे गोटे साजिश करा जाइकरी जो माने एक्चुअली इन्वॉल्व अछन तांकु न उठैकि अन्य लोकन को उठा जाइछि जे माने अछंती इसरे पूरा मुख्य आसामी से अरेस्ट करा जाऊ एवं तुरंत से मानकर दंडित करा जाऊ एवं एसआईटी जगह सीबीआई रो तदंत हो यह हमर बीजेपी तरफ रु हमर दाबी होछि। तो आम सहित अच्छा बीजेपी रो वरिष्ठ नेता दिनेश जैन आज्ञा गोटे कथा कहतु बीजेपी तो वर्तमान सारा राज्य जो परी इश्यू को लेकर गोटे आंदोलनात्मक पंथा अवलम्बन कर आसंता काली जोधपुर को हेले बीजेपी गोटे पदयात्रा कर तो ये समग्र घटनाक्रम देखले आप कौन कहे प्रकृति में जो एस आई टी तदंत हो ठीक दोषी को धरी पार बोली आप लगुच कि एस आई टी मुखा भी खुला खोल जाइए एस आई टी रि कथा सामना को आसी जाइए प्रेस माध्यम आपन जानते जे बीजेडी जहाँ चाहूला से कथाटा कांग्रेस को कहीकर सर कहे इटा बीजेडी चाहूला जे एस आई टी कथा पढ़ू आ कांग्रेस पकईकोरी बीजेडी से राजी होकर ये प्रकार गोटे प्रहसन कर प्रकृत दोषी को बचावर लगे इटा गोटे चाल कराई एवं खाली परीर कथा नुहे नयागढ़ परी परी पर स्वाति आ स्वाति पर सारा राज्य विगत 2 वर्ष 5503 अन्य परी माने निखोज अच्छा माँ बापा माने केस भी कर थाना रे किंतु 2 वर्ष है सत्वे भी 5503 परी वर्तमान सुधा सरकार ताको ठाप कर पार नहीं ये जेन प्रकार रो शासन चली छे ओडिसा राज्य रे जेन शासन रे महिला गरीब छोट छोट छुआ कहीं सुरक्षित नहांती आ सरकार रो चेता भांगू नहीं सरकार रो मंत्री माने निजे थे संपृक्त अच्छा विधानसभा रे बीजेपी दल तरफ रु बीजेपी विधायक दल तरफ रु जेन प्रकार रो मांग रखा जाइतला ताकू मुक्ति पाइबार लगी ताकू एड़ी देवार लगी विधानसभा रो सत्र भी बंद कर दिया गला मझीरे आउ वर्तमान आमे दाबी करूछु जे परी रो हत्याकारी को तुरंत गिरफ करा जाउ बाबुली नायक जहाँ ना प्रेस माध्यम रे लोकलोचन को आसी सारी वर्तमान तक जेरा करा जाए ताको गिरफ्त करा जाए जेन पुलिस वाला ये दोषी अच्छा तांको भी दंडित करा जाऊ तार संगे संगे जेन 5503 अन्य छुआ मैंने निखोज अच्छा बाबद भी प्रकृत अनुसंधान करा जाऊ आउ ये जेन वर्तमान परिस्थिति रे जेन प्रकार रो रूप ये घटना नौ ओडिशा रे सेथिरे सीबीआई तदंत ही इतार गोटे उपाय अच्छे जहाँ जरिया वास्तव में छुआ मैंने कहीं लगे निखोज हो किए चोरी करुचे केन उद्देश्य चोरी करुचे ये सब विषय लोकलोचन को आसी पार्बा बिना सीबीआई तदंतरे राज्य पुलिस द्वारा किंबा एसआईटी द्वारा
ଇ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଧରା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ କଥାଟା ପ୍ରମାଣ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ଆଜି ଆପଣ ଝାରସୁଡ଼ା ବିଜେପି ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ସହରର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆଜି ଆମେ ଆମର ମନମୋହନ ସ୍କୁଲ ନିକଟସ୍ଥ ବିଜେପି ଅଫିସରୁ ବାହାରି କରି ମେନ୍ ରୋଡ୍, ମାରବାଡ଼ି ପଡ଼ା, ଝଣ୍ଡା ଚୌକ, ଷ୍ଟେସନ ଚୌକ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚୌକ, ବେହେରା ମାଲ ସାରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କକ୍ସ କଲୋନୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। କକ୍ସ କଲୋନୀ ପରେ ରେଲୱେ କଲୋନୀ, କବ୍ରିସ୍ତାନ ପଡ଼ା, ତେଲିପଡ଼ା, ଚକିପଡ଼ା ଏତେ ଏରିଆ କଭର କରିକିରି ଆମେ ଆମର ଅଫିସକୁ ଫେରିଯିମୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ କଭର କରିକରି ପଦଯାତ୍ରା ବାହାର କରିଛୁଁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ବିଫଳତା ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା। ଯେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବି ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରବାର ନାହିଁ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର କେତେ ଦିନ ଆଉ ଗଣତି ବାକି ରହିବା କଥା ସେଟା ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା। ଆଉ ଇଏ ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରାହେଉଛେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ସ୍ୱାତିର ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ 5,503 ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କୁ ବି ଠାପ କରାଯାଉ। ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି SIT ତରଫରୁ ଯଦୁପୁର ଗାଁର ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଇଛି, ସେଠି ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ SIT ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 5,00,000 ଲାଞ୍ଚ ଦେଉଥିବାର ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରକୃତରେ SIT ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ କିପରି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ନୟାଗଡ଼ର ପୋଲିସ ପରୀର ମା ବାପାକୁ ପଇସା ଛାଚୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସେ ଯୁବକକୁ ଯାଇକରି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଇସା ନିଅ ଆର୍ ନିଜର ମୁଡ଼େ ଏ ଦୋଷଟା ସ୍ୱୀକାର କରିପକାଅ, ସେ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲେନି। ଏ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପାଖରେ ଅଲଗା ବାଟ ନାହିଁ ଯେ ସେ SIT ଭଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ତୁରନ୍ତ ବରଖାସ୍ତ କରିକରି SIT CBIକୁ ତଦନ୍ତ ଦେବା ଲାଗି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରନ୍ତୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। ଭାବେ ହେଇଥିଲେ ଝାରସୁଡ଼ା BJP ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ସହରର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ପଦଯାତ୍ରା କରିକରି କେମିତି ପରି ନ୍ୟାୟ ପାରିବ ପାଇପାରିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ନେଇକରି ସଚେତନ ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 5,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନାବାଳିକା ସେମାନେ ମିସିଂ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବେ ସେ କଥା ହେଲେ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଝାରସୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।